हेलो गाइस, आई एम रमन एंड आई एम फ्रॉम नरकटियागंज और जो है सो यही है। तो आज मैं आप लोगों को अपना YouTube अर्निंग दिखाई देता हूँ कि मैं YouTube से कितना पैसा अभी तक कमाया हूँ। तो ये रहा मेरा YouTube का स्टेटमेंट। कहाँ गए थे भाई साहब, वीडियो स्टूडियो नहीं बनानी आपको? तो हम हजरत खां हैं, हम माफी चाहेंगे आपसे, वीडियो थोड़ी डिले हो रही है, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी डिले हो रही है। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मैं YouTube से कितने पैसे कमाता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले माहौल बनाएंगे। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी अनलॉक 1 आ चुका है इस टाइम पे, और अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये सब खत्म हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो मेरे हाल कुछ लिटरली मैं आज दिन में कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ खाया हूँ, सोया हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता था, देन मेरे साथ ये हुआ। भाई अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस पोटली में है क्या। एक्चुअली इस पोटली में मेरा फैमिली फोटो है और मेरे बचपन की कुछ यादें हैं। तो ये रही कुछ तस्वीरें। वैसे तो तुम्हारा भाई बचपन से ही स्मार्ट था, लेकिन क्या फायदा ऐसी शक्ल लेके घूमने का, कोई लड़कियां भी वहां देती। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो सही कुछ ऐसे हैं कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं? यार कर दो यार, गरीब की दुआ लगेगी यार, कर दो। और बगल में बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन जो होता है उसे एनेबल कर लेना। अबे साले। हाँ जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग मुद्दे से भटक गए थे। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मैं YouTube से कितने पैसे कमाता हूँ। वैसे तो YouTube भैया ने भी मना कर रखा है कि आपको अपना अर्निंग किसी को भी नहीं बताना है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बल्कि एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैंने कितने पैसे YouTube से कमाए हैं और कितने आप कमा सकते हैं YouTube के थ्रू। वैसे तो YouTube भैया एग्जैक्ट हमें भी नहीं बताते हैं कि हम लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि किसी मंथ में हम ज़्यादा पैसे अर्न कर लेते हैं तो किसी मंथ में एक भी पैसा नहीं मिलता है हम लोगों को। तो ये तो था एक एवरेज के हिसाब से। तो अब मैं आज आपको अपने चैनल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मैं कितने पैसे अभी तक अर्न किया हूँ YouTube से। बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है निंजा टेक्स, मैं वहाँ से अर्निंग करता हूँ। उस पर अप्रॉक्स 14,000 से 15,000 सब्सक्राइबर्स है और उस पर मैंने 2-3 बार पेमेंट ले भी लिया है। तो उस चैनल के अकॉर्डिंग ही मैं कितने पैसे अर्न किया हूँ उस चैनल से, वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल का भी मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ है तो हम उस चैनल की बात कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कि मैं वहाँ से कितने पैसे कमाया हूँ, तो अभी तक मैंने वहाँ से 30,000 रुपये अर्न कर लिए हैं, कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 10,000, ऐसे करके मुझे पेमेंट मिला है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कितने व्यूज़ पे YouTube आपको अपना पैसा देता है। YouTube आपको 1,000,000 पे लगभग 10,000 से 12,000 रुपये पे करता है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपको 1,000 पे कितना मिलेगा और 1,00,000 पे कितना मिलेगा। तो आप लगा लेना, कैलकुलेशन कर लेना। तो 1,000,000 का 10,000 से 12,000 रुपये YouTube आपको पे करेगा। अब ये तो YouTube गाइडलाइंस का खुद का अपना थ्योरी है, पहले तो ये सब नहीं था। पहले तो डायरेक्ट वीडियोज़ डालो, मोनेटाइजेशन एनेबल करो और पैसे कमाना शुरू। लेकिन इस टाइम पे 4,000 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर का पंगा हो रखा है। तो देखो आगे क्या होने वाला है, क्या गाइडलाइंस और भी चेंजेस लाएगा YouTube, देखते हैं। तो ये रहा मेरा YouTube का लास्ट पेमेंट अपडेट। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो जब आपका अर्निंग $40 से प्लस करेगा, जैसे ही $40 क्रॉस करेगा, तभी आपको गूगल की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से एक लेटर आएगा जो कि गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन उसे कहते हैं। ऐसा लेटर आपको मिलेगा और इसे वेरीफाई करने के बाद आपका फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग वीडियो से आपका बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद लगता तो नहीं है कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, खैर ये आप पे है। तो अगर वीडियो पसंद आया अभी तक यहाँ तक आके देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।